नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा। आज हम आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमदराज जी के यहाँ और ये वार्ड 86 के पार्षद भी है। इनसे जानने की रमजान का महीना शुरू हो चुका है। रमजान का समय खोलने का शाम को 7 बजे का है और कर्फ्यू 6 बजे को लगने का है। इनसे जानेंगे कि ये सरकार द्वारा गाइडलाइंस और रमजान को किस तरह मैनेज करेंगे। जी सर, आप बताइए कि रमजान का समय जारी हो चुका है आपका और इसमें कर्फ्यू भी लग रहा है, तो आप किस तरह ये दोनों मैनेज करोगे और सरकार के आदेश अनुसार किस तरह पालन होगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों को कि रमजानुल मुबारक का जो महीना है इसके लिए तहे दिल से मुबारकबाद। और उस मुबारकबाद के साथ साथ हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे मुबारक महीने के दौर में हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नहीं शर्मनाक बात है। एक ऐसी महामारी जो पिछले साल से लेकर अभी तक पीछा पकड़े हुए है। पिछले साल के रोजे भी जो सरकार ने गाइडलाइन दी थी उस गाइडलाइन के तहत जनता ने, पूरी जनता हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जनता ने उस गाइडलाइन का पालन किया था। और इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, इस बीमारी से कैसे बचा जाए, उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने रोज़े भी रखे थे और ईद भी मनाई थी। मगर अब बदकिस्मती की बात यह है कि वापस पूरा एक साल बीतने के बाद भी दोबारा रोज़े चालू हो गए, मगर इस महामारी ने, इस कोरोना बीमारी ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। बल्कि ये इसका जो दूसरी लहर अभी जो चल रही है, ये कहर जो चल रहा है अभी दूसरा, ये पहले वाले के मुकाबले और ज़्यादा है। अब सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में थी, मगर अब अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई गाइडलाइन लॉकडाउन की है नहीं। राज्य सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल कह दिया स्पष्ट शब्दों में कि लॉकडाउन किसी भी कीमत पर नहीं लगाएंगे, मगर सख्ती की जा सकती है। देखिए, ये सख्ती जो कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है ये महज सरकार का ही कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, इसमें पूरा फ़ायदा जनता का है। क्योंकि अगर कल जनता को अगर किसी बात की परेशानी होती है, जनता के बीच बीमारी ज़्यादा महामारी का और रूप लेती है, तो परेशानी सरकार को भी होती है और जनता को भी होती है। अब रहा सवाल रोज़ों का, तो रोज़े सुबह 4:30 बजे शहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है और शाम को 6:55, 6:57 पे, यानी 7 बजे के लगभग रोज़ा अफ्तारी का टाइम है। और गाइडलाइन ये जारी हुई है कि 6 बजे कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी और 2-4 रोज़ बाद में हो सकता है 5 बजे तक का भी कर ले। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि सरकार चला करके या जान करके कुछ चीज़ को नहीं करती। सरकार उस चीज़ को करती है जिस चीज़ से जनता को फ़ायदा पहुँचे, जिस चीज़ से जनता की बचत हो सके, जिस वजह से हम इस बीमारी से लड़ सकें, इस महामारी से लड़ सकें। तो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के लिए मैं जनता से दरख्वास्त करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहूँगा कि समय रहते अपना सामान खरीद लें, समय रहते अपना खाने पीने का, घर गृहस्थी का सामान। देखिए, घर गृहस्थी सबके पास है, सबको चलानी पड़ती हैं और ज़रूरी भी है, चाहे लॉकडाउन लगो या कर्फ्यू लगो, ये पेट खाने को तो मांगता है। और बच्चे सबके घर में, दूध बच्चों को भी चाहिए और दिगर चीज़ें भी चाहिए, दिगर अखराजात भी हैं, सब चीज़ें चाहिए। मगर अब हालात को मद्देनज़र रखते हुए हालात से कम्प्रोमाइज़ जनता को करना पड़ेगा। और कम्प्रोमाइज़ ये करना पड़ेगा कि समय रहते 6 बजे का जब कर्फ्यू है तो समय रहते 6 बजे पहले अपना सामान खरीद लें, चले जाएं, ताकि ये जो पाक पावन महीना हमारे रोज़ों का चल रहा है इसके अंदर हम आराम से रोज़े रख सकें, शांतिपूर्वक हम रोज़े रख करके ईद के को मनाने की हम कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह से दुआ भी करें और इस पाक मुकद्दस महीने में अगर हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेगा। अल्लाह से दुआ करें कि ये 10-20 दिन के अंदर इस बीमारी से हमारा पीछा छूटे, ताकि आने वाली ईद को हम सही तरीके से मना